रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1760 तक और फिर 1765 से लेके 1767 तक। ये दो कार्यकाल रहे, ये दो कार्यकाल रहे रॉबर्ट क्लाइव के। लिखिए, ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का, ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और इसके समय में होने वाले महत्वपूर्ण काम और महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, सबसे पहले लिखेंगे। इसी के समय में हुआ 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। हम सब जानते हैं 1757 में बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव के ही समय में लड़ा गया 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। इसके अलावा लिखेंगे, इन 1765 ही अप्लाइड डायरकी इन बंगाल। 1765 में इसी ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। डायरकी इन बंगाल, डायरकी ऑफ बंगाल, यासी ने लगाया बंगाल में द्वैध शासन। और ध्यान रखेंगे 1765 में, 1765 में इसी के समय में हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। इसी के समय में हुई इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और लास्ट पार्ट लिखेंगे, ही प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ही प्रोहिबिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू टेक गिफ्ट्स। इसने सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। He prohibited government employees to take gifts. इसने सरकारी कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। और लास्ट पार्ट लिखेंगे, after returning England, England वापस लौटने के बाद, लिखेंगे after returning England he committed suicide. England वापस लौटने के बाद इसने आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन भी आता है, बताइए एकलौता गवर्नर जिसने आत्महत्या कर ली थी वो कौन था? He was Robert Clive. After returning to England he committed suicide. England वापस लौटने के बाद इसने आत्महत्या की। 1760 से लेकर 1765 तक रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नहीं था। ध्यान रखेंगे 1760 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट, लिखेंगे विलियम हॉलवेल। सेवनटीन सिक्सटी सत्रह सौ साठ में बंगाल का गवर्नर बनाया गया विलियम हॉलवेल। इसके बाद 1760 से लेकर 1765 तक बंगाल का गवर्नर बनाया गया, लिखेंगे हेनरी वेंसिटार्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मेनली आपको रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है, लेकिन फिर भी इनके नाम आपको लिखवा रहा हूं ताकि यदि पूछ लिया जाए तो आप इनके आंसर कर सके। लॉर्ड वेरिल्स्ट 1767 से 1769 तक। इसके बाद सेवनटीन सिक्सटी नाइन से लेकर 1772 तक अगला गवर्नर बनाया गया लॉर्ड कल्टियर को।
लिखेंगे लॉर्ड कर्टियर। इसके बाद आया लॉर्ड, लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेके 1785 तक, 1772 ईस्वी से लेके 1785 ईस्वी तक आया वॉरेन हेस्टिंग्स। लिखेंगे ही वॉज लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लिखेंगे ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल था। ही वॉज लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल था। अब इसके द्वारा क्या क्या काम हुए लिखेंगे। सबसे पहले 1772 लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में आते ही क्या किया, लिखेंगे एबोलिशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल। लिखेंगे बंगाल के द्वैध शासन का अंत, एबोलिशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल, बंगाल के द्वैध शासन का अंत। इसी के समय में आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। लिखेंगे 1774 अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। 1774 लिखेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पहले लिखेंगे 1772 में बंगाल के द्वैध शासन का अंत, 1773 में आया रेगुलेटिंग अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1774 में लिखेंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इसके अलावा इसी के समय में आया 1784 में, लिखिए पिट्स इंडिया एक्ट, हिंदी में लिखेंगे पिट्स इंडिया अधिनियम। इसी के समय में आया पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया अधिनियम। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए वो एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर इंपीचमेंट लगाया गया था, जिस पर महाभियोग लगाया गया था। लिखेंगे ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल हु वॉज इम्पीच्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगाया गया। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगाया गया या महाभियोग चलाया गया। नेक्स्ट अगला लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेवनटीन एटी सिक्स से लेके 1793 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस में लिखेंगे ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लिखिए ही फाउंडेड फोर सेशन कोर्ट्स। इसने चार सत्र न्यायालयों की स्थापना की जो कहां कहां पर थे, लिखेंगे कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद एंड ढाका। इसने कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद और ढाका में चार सत्र न्यायालयों की स्थापना की।
और इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1793 को इसी के द्वारा स्थापना की गई इंडियन सिविल सर्विस की भारतीय नागरिक सेवा। इसके अलावा 1793 में इसी के द्वारा स्थापित किया गया रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस। राजस्व पुलिस जी, इसी के द्वारा स्थापना की गई 1793 में राजस्व बोर्ड की और राजस्व पुलिस की। और इसके अलावा इसी के समय में आया एक्ट ऑफ 1786 या लिख सकते हैं 1786 का अधिनियम। नेक्स्ट अगला लिखिए, केवल नाम याद रखना है, सर जॉन टोर। सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना सर जॉन शोर। केवल नाम याद रखना है, इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है याद रखने को। इसके बाद आया लिखिए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेके 1805 तक, 1798 ईस्वी से लेके 1805 ईस्वी तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेलेजली। लिखेंगे ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, लिखेंगे इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। ही स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, इसी ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए सहायक संधि या वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट स्टेट वॉज हैदराबाद। हैदराबाद ने ही सबसे पहले इसकी सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा लिखेंगे इन 1800 ईस्वी में ही फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। लिखेंगे 1800 ईस्वी में इसी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसी ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और इसके अलावा लिखेंगे इन 1803 ईस्वी में लिखेंगे ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया एंड दे मेड मुगल एम्परर्स देयर पेंशनर्स, और इन्होंने मुगल बादशाहों को अपना पेंशनकारी बनाया। दे मेड मुगल एम्परर्स देयर पेंशनर्स, इन्होंने मुगल बादशाहों को अपना पेंशनकारी बनाया। अगला लिखिए सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो ये 1805 ईस्वी से लेकर 1807 ईस्वी तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। एक इंपॉर्टेंट काम इसके समय में हुआ, लिखेंगे इन 1806 1806 ईस्वी में फर्स्ट आर्मी रिवोल्ट ऑफ इंडिया वाज हैपेंड इन वेल्लोर तमिलनाडु। लिखेंगे 1806 ईस्वी में तमिलनाडु के वेल्लोर में भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारत का सबसे पहला सैनिक विद्रोह हुआ। अगला लिखिए लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या लॉर्ड मिंटो प्रथम।
1807 ईस्वी से लेके 1813 ईस्वी तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया। बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड मिंटो प्रथम। एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, 1809 ईस्वी में इसी के समय में हुई ट्रिटी ऑफ अमृतसर, लिखेंगे अमृतसर की संधि, ट्रिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि जो किस किस के बीच में हुई, लॉर्ड मिंटो प्रथम और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, ट्रिटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट अगला लिखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, अगला लिखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 ईस्वी से लेके 1823 ईस्वी तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन 1818 लिखेंगे मराठा एम्पायर वॉज एबोलिस्ड, लिखेंगे 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का अंत किया गया, इसी के समय में 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया गया। तक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहा, इसके बाद लिखेंगे लॉर्ड एडम्स, कुछ ही समय के लिए बंगाल का कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड एडम्स को 1823 में। लिखेंगे ही प्रोहिबिटेड प्रेस, लिखेंगे इसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, ही प्रोहिबिटेड प्रेस, या इसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट केवल नाम याद रखना है, लिखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट, से लेकर 1828 तक बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एमहर्स्ट। एक ही पॉइंट लिखेंगे इन 1827 1827 में, लिखेंगे इन 1827 1827 में ही मेट मुगल एम्परर अकबर सेकंड, 1827 में इसने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से भेंट की, ही मेट अकबर सेकंड। नेक्स्ट लिखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1835 तक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेकर 1835 तक, लिखेंगे ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ही वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक से बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखेंगे 1829 में इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, ही एबोलिश्ड सती सिस्टम, 1830 ईस्वी में इसी ने ठगी प्रथा का अनुमूलन किया और 1833 में इसके द्वारा नर बलि प्रथा भी समाप्त की गई। ये तीनों प्रथाएं समाप्त की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला पॉइंट लिखेंगे ही फाउंडेड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, इसी के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, इसी के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके अलावा इसी के समय में आया 1833 का, लिखेंगे चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम, और लिखेंगे इन हिज रूलिंग पीरियड, लिखेंगे और इसी के शासनकाल में
इन इस बोलिंग पीरियड लिखेंगे इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. इसी के शासनकाल में अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनी. अंग्रेजी भारत की आधिकारिक भाषा बनी. इसके बाद लिखिए लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ. अठारह से 1836 सिर्फ एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए आया लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लिखेंगे ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस. लिखिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है. ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस. इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है बिकॉज लिखेंगे ही रिमूव्ड बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स, क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया था. क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था बिकॉज ही रिमूव्ड बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स. चलिए तो आज रखते हैं चार्ल्स मेटकॉफ तक. कल फिर से मुलाकात होगी और कल हम फिनिश करेंगे.